भाई। ये रॉबर्ट और आपके बारे में हमारे आदमियों से इंक्वायरी कर रहा था। कौन है बेतू? हमारे बारे में इंक्वायरी? इन्फॉर्मर है क्या? ए सुअर, हाथ उठाने से पहले एक बार सोच ले कि तू किस पर हाथ उठा रहा है। ऐसा ना हो कि ये तुझे बहुत महंगा पड़ जाए। तुझे मारूंगा तो कौन आएगा बे? कौन आएगा बचाने? कौन आएगा रे? तुम्हारी उम्र देखकर ही हम लोग तुम्हारी ये गलती माफ कर रहे हैं। चुप बे साले। एड्रेस किसी को भी ना पता चले ऐसी भगवान से प्रार्थना कर, वरना तू किसी को एड्रेस बताने के लायक नहीं रहेगा। तेरी तो मैं इसी एयरपोर्ट पे तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद आएगा वो। कौन है वो? कहाँ है वो? तू? मैं कौन हूं ये है एक मिस्ट्री। क्रिएट करता हूं मैं हिस्ट्री। तुम सबका खात्मा करना है मेरी विक्ट्री। कहा था ना एड्रेस बताने के लायक नहीं रहोगे। अब तुम्हारा एड्रेस? हाय कैची मैं लाइव। Shadow, I am son of Raghuram. This is the beginning. Welcome to Kuala Lumpur, sir. Up. I am Peter Pinchaloya, in charge, senior cop. He is junior cop, Mastan. Namaste, sir. Mr. Pinchaloya. Sir. Nana gang ki details ke saath, sare mafias ki details mujhe chahiye. ये माफिया गैंग को ऑलरेडी कोई टारगेट कर ही रहा है सर। शकील का गेम भी खत्म हो चुका है सर, सर। और अब रॉबर्ट का भी चाहिए सर। नाना गैंग की एक्टिविटीज क्या है और वो कहां से ऑपरेट करता है, उसकी स्पेशल रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर। उस गैंग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे। ओके सर। टोल फ्री नंबर 668। अब रॉबर्ट के दिन पूरे हो गए। कम बोलना अच्छा होता है। अब्दुल ये ले तेरा पासपोर्ट। तुझे हैदराबाद जाकर स्टूडेंट बनना है। हमारा पहला प्लान गुरु भाई के हाथों से फेल हो गया, इसीलिए तुझे वहाँ भेज रहा हूँ। करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस पर अक्टूबर में ब्लास्ट हो ही जाना चाहिए। शकील को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला, इसीलिए तुझे होशियार रहना होगा।
क्या? उस रोबोट को जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था उसका क्या करें? वो ऑफिसर हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। रोबोट को कैसे छुड़ाया जाए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तुम पुलिस वालों की लाशें बिछाओ या पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर दो, हमें मतलब नहीं। नाना भाई को ये खबर मिलने से पहले रॉबर्ट बाहर आ जाना चाहिए। एक बुरी खबर, जिस रॉबर्ट को तुम ढूंढ रहे हो हैदराबाद के एक पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया है। हाई सिक्योरिटी जेल में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। वो मलेशिया से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, रॉबर्ट को मैंने अरेस्ट कर लिया है। 2 अक्टूबर की स्कीम को जानने के लिए वो हेल्पफुल होगा। मैं उसे स्पेशल फ्लाइट से लेकर आ रहा हूँ सर। प्रताप, शकील का किसी ने मर्डर कर दिया है और कोई नाना गैंग को ट्रैप कर रहा है। बी केयरफुल। श्योर सर। ओह अरे मस्तान, इस मैच में ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी सर। कौन बेवड़ा है ये? सर ये दारू पीकर रोड पर हल्ला कर रहा था। आराम से। ए मिस्टर सामने साहब है। अरे छोड़ा। व्हाट इज योर नेम? नेम अरे क्या हो गया इसे? डालो नशा उतरने के बाद देखेंगे। अरे ले जाओ। अरे 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 मेरा गाल छू रहा था वो। अरे मस्तान देखो पता आ गया। मैं कहां हूं? अरे क्या शॉट है। भाई साहब इधर आओ ना। ए डोंट ब्रेक। एक मिनट आओ तो। नहीं नहीं पीना नहीं। सर शकील को तो आसानी से मार दिया, लेकिन रॉबर्ट तो सेल के अंदर है। सिक्योरिटी भी फुल टाइट है सर। कल मॉर्निंग में उसे लेकर इंडिया निकल जाएंगे। आज रात को ही कुछ हो गया तो? Stop! Something is wrong. Go back. अरे मस्तान ये तो मस्त खेल रहा है। कौन है रे तू? शैडो, शकील को मारने वाला शैडो। किसके कहने पर यहाँ आया है? मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, यहाँ तुझे खत्म करने के लिए आया हूँ। तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। बचपन से ही तू फिक्स था। नाना के साथ साथ तुम सब मरोगे। तू है रघुराम का बेटा। नाना भाई कहाँ छुपा है? नाना भाई मलेशिया के समंदर में छुपा है। तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुझे भी वहीं भेज दूं क्या? उसकी जरूरत नहीं है बे, उससे पहले तू शमशान पहुंच जाएगा। अरे पिन चले आ। ओ सर, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आदमी आया? वो नहीं, एक आदमी आया है। वो कहाँ है? लॉकअप में है। लॉकअप में है सर। सर ये अपना ही ऑफिसर है सर। डैम इट। कम। शट ऑफ। ऑफिसर सारे दरवाजे बंद कर दो। जल्दी करो। अरे उस तरफ के दरवाजे बंद करो। तुम उस तरफ जाओ। अरे मस्तान। जी सर। ये ऑफिसर कौन है? इसके बाल, इसके गेटअप से ये बिल्कुल शैडो जैसा लगता है ना? स्टॉप, स्टॉप, आई से, आई विल शूट यू। हैं? ये गिनती क्यों कर रहा है? अरे, अरे
बाप रे, धुएं का बम, लगता है वो भाग जाएगा, उसे पकड़ो। मिल गया, मैंने पकड़ लिया, मिल गया, शैडो मिल गया। अरे सर, ये मैं हूँ। थैंक यू ऑफिसर, अपना कोऑपरेशन इसी तरह कंटिन्यू रखिए। शैडो, सही पहचाना सर, आपका टारगेट और मेरा टारगेट एक ही है, नाना भाई और उसका गैंग। उन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा, आप इंडिया में जाकर आराम कीजिए। तो जैसे क्रिमिनल को जब तक दबोच नहीं लेता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। जल्दी मिलेंगे। हवा को छू नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते, और शैडो को पकड़ नहीं सकते। लेट्स सी। अभी अभी लंका एयरलाइंस के मेरे एक दोस्त से बातचीत हुई है। नाना ग्रुप की सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में लेकर एक एयर होस्टेस आ रही है। उस एयर होस्टेस को हम पहचानेंगे कैसे? उस लड़की को मैं पहचानता हूँ। कौन आ रहा है सर? तुमने दुबई सीन देखा होगा और डांस सीन भी देखा होगा, वो है साइको सीन। साइको सीन? जी हाँ, डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास राव, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। आज तक फोटो में ही देखा हूँ, शक्ल से डॉक्टर नहीं वार्ड बॉय दिखता है। तुम सब लोग ट्रॉली धकेल धकेल कर मुझे सर्विस देते देते बड़े साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। कमी ना बक बक कर रहा है। अरे रुको, गेस करो मधुबाला कहाँ है? मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर कहाँ चली गई थी बालिके? भैया ने लैंड होते ही फोन करने के लिए कहा था, तो फोन करने गई थी। हमसे ज्यादा फिक्र तुम्हें उनकी है, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वो कह रहे थे कि मुझे एक लड़का देखने के लिए आ रहा है, मुझे बहुत पसंद करता है। भैया कह रहे थे कि मेरे लिए एक सरप्राइज है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, लव सेटलमेंट के लिए नहीं। सॉरी सर, वो तो मेरे भाई ने कहा था इसलिए। देखो जी, जो मुझे फॉलो नहीं करेगा वो हाथ मलते रह जाएगा। रिश्तेदारियाँ तो अपनी जगह पर रहेंगी ही। पापा ने कहा, भैया ने कहा, कहकर तुम लोग बहाना बनाते रहोगे तो ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब मुझे ही देख लो, शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए इस पोजीशन पर। उसके भी क्या कर लेगा? बेटे टेस्ट लेने की उम्र तो अब आई है। आपकी गलतफहमी है सर। करेक्ट। बालिके जी सर, अपने भैया से कह देना वो लड़का दिखने में ढक्कन जैसा दिख रहा है। बापरे, मेरा रेड जैकेट। वो देखो, वो सूट पहनकर जो उल्लू जैसा आ रहा है ना, वही है साइको सीन। नमस्ते, वेलकम टू मलेशिया। अरे बुके दो ना, ये है साइको श्रीनिवास। हाँ वही श्रीनिवास जी, आई एम योर लोकल मैनेजर हियर, ऑल इन ऑल। नाम? कम रेडी। सरनेम क्या है? ये मेरा सरनेम है, कम रेडी कामराज, मेरा पूरा नाम। क्या आपको शौक क्यों लगा? मेरे पिता गांधीवादी, मेरी माँ सिद्धांतवादी, और मैं हिंसावादी। मैं हिंसावादी, चीड़ फाड़ करता हूँ। रिटायर होने की उम्र में भी क्या तेवर है। चलिए